Yes, name Ravi. Age is 21 years. Today date is 3rd June 2024 and complain of high pitch voice even after puberty. तो रवि मुझे ट्रीटमेंट से पहले का वॉइस सैंपल चाहिए, क्यों आए हैं यहाँ पे? इधर से मेरा वॉइस तो लड़की से तरह है, इसलिए मैंने ऑनलाइन में हॉस्पिटल का नाम पूछते दिया। कहाँ से आए हैं आप? मैं बागलकोट से। कहाँ आई है? नॉर्थ कर्नाटका। और अपनी हॉबीज बताइए। मैंने क्रिकेट खेलता है, चेस खेलता है और बुक्स रीड करता है। पोस्ट थेरेपी वीडियो ऑफ रवि एंड टुडे डेट इज 10th June 2024। रवि मुझे ट्रीटमेंट के बाद का वॉइस सैंपल चाहिए, क्यों आए थे और अब कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद? मेरा था वॉइस था वो आई पिच था, इसीलिए उधर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ गया। वो अभी मेरा वॉइस थी बोल बिल्कुल ठीक लगा और मेरा कॉन्फिडेंस थी वो अच्छे लगा। हाई पिच एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया ना, आम भाषा में समझाइए कि क्या होता था। बात करते थे फोन पे तो फोन में बात करने के लिए समय में वो समझ रहते हैं मैं फीमेल हूँ, इसलिए ट्रीटमेंट से पहले लोग ट्रीटमेंट के पहले लोग। और अब फोन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लोग पहचान जा रहे हैं आपकी आवाज को? मेरा आवाज को पहुँच नहीं पा रहे हैं और वो बोल रहा है मैं दूसरे का फोन दे और वो दूसरा बात कर रहा है, इसलिए आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। यस सर, इसीलिए बताइए कि प्रॉब्लम क्या थी और ट्रीटमेंट के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? नाम ಕಾಲ್ ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ओके सो क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए यूज कर सकता हूँ सोशल मीडिया पेजेस पर? ओके यूज सर। ओके सो थैंक्स फॉर परमिशन एंड दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू आर एबल टू सी पॉजिटिव चेंजेस, अगर आप लोगों को इनकी वॉइस में पॉजिटिव चेंजेस दिखती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बात दूर तक पहुंचाइए। क्या पता ऐसी समस्या से जूझने वाले व्यक्ति तक आपके शेयर करने से बात पहुंचे और किसी के काम आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।